नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज। इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं हूं रूबिका लियाकत और अब हुंकार की शुरुआत होने वाली है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसके फौरन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को याद कीजिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। तालिबान और अफगानिस्तान का ये याराना आप सबको मालूम है, लेकिन अभी तक ये दोस्ती पर्दे के पीछे छिपकर ज्यादा निभाई जा रही थी, लेकिन अब तो खुलेआम पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे को गले लगा रहा है। तालिबान की नई हुकूमत को लेकर चर्चा के बीच पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को काबुल भेजा है। इस दौरे का मकसद आप आसानी से समझ जाइए। पाकिस्तान इस फिराक में है कि नई हुकूमत से ज्यादा उस हुकूमत में हक्कानी नेटवर्क से जुड़े लोगों को मौका मिले, ताकि अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकी जमीन बनाया जा सके। प्लानिंग देखिए आप, आईएसआई चीफ के दौरे के बीच में ही तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया और आरोप यह लग रहा है कि पाकिस्तान ने पंजशीर पर तालिबान के कब्जे में अहम भूमिका निभाई है। अब आप कहेंगे ये कैसे कहा जा सकता है, पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन की मदद से तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया है। खुद अहमद मसूद ने इसकी गवाही दी है जो पंजशीर में लड़ रहे हैं। नदर रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख हैं वो। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के इस तरह खुलेआम आतंक को बढ़ावा देने और दूसरे देश के मामलों में दखल पर दुनिया क्यों चुप है, संयुक्त राष्ट्र क्यों खामोश है। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। वैसे तो पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते जग जाहिर है, लेकिन पंजशीर पर तालिबान के कब्जे ने पाकिस्तान के तालिबान प्रेम की रही सही पोल खोल कर रख दी। जिस वक्त तालिबान पंजशीर पर कब्जे के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त नदन रेजिस्टेंस फोर्स यानी NRF के प्रमुख अहमद मसूद ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए एक ट्वीट किया, तालिबान हमसे नहीं लड़ रहा बल्कि पाकिस्तानी सेना और ISI उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तालिबान इतना मजबूत नहीं है कि हमसे लड़ सके, बल्कि पाकिस्तानी सेना उसका साथ दे रही है। अहमद मसूद ने जो कहा है उसके गवाह भी मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि ये शख्स तालिबान की तरफ से पंजशीर में NRF के खिलाफ लड़ने आया था, लेकिन पंजशीर के शेरों के सामने इसे अपने हथियार डालने पड़ गए। और अब सुनिए कि पकड़े जाने के बाद इसने कैसे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्लान का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ लड़ने वाले ही नहीं भेजे हैं, बल्कि अपनी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हामिद को भी अफगानिस्तान भेजा है। फैज हामिद अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद काबुल आने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े नुमाइंदे हैं। दौरे को लेकर सवाल उठने पर दलील दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए काम करेंगे। मैं जो भी बैठ के करूंगा उनकी व्यवस्था मेरे राजदूत करेंगे। हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। फैज हामिद का ये बयान सिर्फ दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए है। असली खबर ये है कि ISI प्रमुख अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत में अपने खास हक्कानी नेटवर्क के प्यादों को ज्यादा से ज्यादा जगह दिलाने के लिए पहुँचे हैं। उनका मानना यह है कि ये पाकिस्तान राइट एक रिजीम है जिसमें पाकिस्तान पीछे से चला रहा है मुल्क को, और उनको पसंद नहीं है पाकिस्तान का कब्जा अफगानिस्तान। हालांकि ISI के चीफ अब यहाँ आए हैं, उनकी ये कोशिश है कि इन लोगों को किसी सूरत से इनमें की यूनिटी बना के एक सरकार का गठन कर सकें। उधर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में दखल पर ईरान ने नाराजगी जताई है। ईरान ने पंजशीर पर तालिबानी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की भूमिका की जांच करे। पाकिस्तान मेहरबान तो तालिबान पहलवान। अभिज्ञान प्रकाश, नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ इस पर बातचीत करने जुड़ चुके हैं। जनरल SP सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जनरल KK सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मोना आलम पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। आरजू काजमी भी इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान ही की पत्रकार हैं। प्रणय उपाध्याय इस वक्त मेरे सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं डिबेट शुरू करूँ उससे पहले प्रणय आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप लगातार उन तमाम लोगों के संपर्क में हैं जो अफगानिस्तान में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, नॉट जस्ट देयर, पंजशीर में भी आप लोगों के संपर्क में थे, आप मुझे ये बताइए कि अभी वहाँ के क्या हालात है, क्योंकि इस बात को लेकर क्लैरिटी क्या आ चुकी है कि अब पंजशीर कब्जे में आ चुका है तालिबान के कम्प्लीटली?
देखिए, तालिबान का बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा है, अगर हम बात करें गुलबहार की या खाक के या जो 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 सलांग पास का इलाका था और बजगोर जो कि राजधानी है पंजशीर की, उसके गवर्नर हाउस के ऊपर ज़रूर कब्जा है। लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है कि हमारे सामने कल रात के हमले के बाद एक डिफ़िकल्ट चॉइस थी, या तो हम उसी जगह पर रहते और इस हमले का मुकाबला करते, लेकिन एम्यूनिशन ख़त्म होने और अपनी सेफ लोकेशन और टेक्टिकल लोकेशन लेने के लिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेने के लिए हम सुरक्षित जगहों पर पहुंचे हैं। और जो लीडरशिप है, चाहे अहमद मसूद हो चाहे अमरुल्ला साले हो, वो सुरक्षित हैं और ये लड़ाई अभी जारी है, ये रेजिस्टेंस फोर्स का कहना है। लेकिन जहां तक तालिबान के दावे का सवाल है, जबीउल्ला मुजाहिद को हमने सुना है, आधिकारिक रूप से तालिबान के नेतृत्व ने ये दावा किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और अब पंजशीर पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में है, यानी वो हो चुका है जो 1996 से 2001 के बीच में भी तालिबान नहीं कर पाया था। तालिबान का और उससे पहले भी जिन भी एग्रेसर्स ने कोशिश की पंजशीर के ऊपर कब्जा करने की, वो नहीं हो पाया था, लेकिन अब तालिबान ने दावा किया है कि वो कब्जा कर चुके हैं। कब्जे का मतलब क्या है? कब्जे का मतलब है कि क्या रेजिस्टेंस खत्म हो गया है? शायद ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ना तो तालिबान अपनी सरकार का ऐलान कर चुके हैं, ना रिकंसिलिएशन की प्रोसेस हुई है। सरकार भी कैसी आएगी ये फिलहाल केवल दावों में है रूबिका, कि ये इंक्लूसिव सरकार बनाई जाएगी, लेकिन उसकी शक्ल क्या होगी, सूरत क्या होगी, उसमें किरदार कौन कौन से होंगे, ये अभी भी स्पष्ट है। तो इसके बाद ही अगली कड़ी में देखा जा सकता है। मैं आपको शुक्रिया कहूं, उससे पहले बस बहुत छोटे में इस बात को समझना चाह रही हूं। ये अहमद मसूद का ट्वीट है जो अब से कुछ देर में मोना आलम को दोबारा मैं पढ़ के सुनाने वाली हूं, लेकिन वो ये अपने ट्वीट में साफ तौर पर कह रहे हैं कि तालिबान में इतना मादा नहीं है कि वो हमारे साथ खड़े होकर लड़ सके, ये तो पाकिस्तान और आईएसआई की तरफ से उन्हें शह मिल रही है और यही वजह है। ये क्या बताता है? देखिए, ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तान की जो रेस्टलेसनेस थी पिछले 3-4 दिनों के अंदर, डिप्लोमेटिकली, टेक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने तंत्र को एक्टिवेट किया है, चाहे फैज़ हमीद की विजिट हो या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट हो या पाकिस्तान के जो स्पेशल अनवॉय हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, उनका अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ मीटिंग करना हो, ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि वो तालिबान के स्टेबलाइजेशन को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्योंकि 15 अगस्त के बाद से आज तक तालिबान के बीच में सूरत हाल ठीक नहीं हो पाया, सरकार नहीं बन पाई, सरकार का फॉर्मूला क्या है ये तय नहीं हो पाया, और ऐसे में शायद पाकिस्तान को भी इस चीज़ के बारे में लग रहा है कि ये ऐसा ना हो कि ये गेम स्लिप हो जाए। तो ऐसे में ये जो बातें हैं, ये दावे हैं रेजिस्टेंस फोर्स के, ये तालिबान को अब स्पष्ट करना होगा कि जो ये कहते हुए आए हैं कि वो किसी भी विदेशी ताकत को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने देंगे, अगर उनके ही मुल्क में लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का एयर सपोर्ट मिल रहा है तालिबान के लड़ाकों को, तो ये एक्सप्लेनेशन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को करना होगा, ये जो तालिबान की सरकार बनने जा रही है इसको बताना होगा कि क्या ये सच है या नहीं है। लेकिन ईरान का बयान, ईरान के विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है सैयद खतिबदेह का, उनका ये कहना है कि हम इस मामले की अभी जांच कर रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं। जी ओके प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत डीपली और इसको गहराई से हमें समझाने के लिए। मोना आलम, क्या सफाई है आपकी? क्या मतलब, किस बात की आतुरता है कि ये तालिबान किसी तरीके से अफगानिस्तान पर राज कर जाए? इकलौता शेरों का शेर पंजशीर वहां पर इनका मुकाबला कर रहा था और पाकिस्तान को यह भी हजम ना हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये इंडिया को, मुझे नहीं पता, आपका तो ना उनसे बॉर्डर है ना कुछ है, वो आपस में लड़ रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। अगर वो जीत गए हैं पंजशीर, काफी अरसे से उन्होंने रेजिस्ट किया हुआ था। जिन अहमद मसूद की आप बात कर रहे हैं, वो अपने अहमद शाह मसूद जो उनके वालिद थे, आपको पता है उनके पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसे कोई नेगेटिव ख्याल नहीं थे, बल्कि अहमद मसूद ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात चाहते हैं। ये बात उन्होंने अभी 3 हफ्ता पहले अपने इंटरव्यू में कही है। अब अगर वो हार गए हैं, उन्होंने वैली लूज कर दी है, उनको फेस सेविंग चाहिए, वो अमरुल्ला साले भाग गए हैं जहाँ तक मेरी इतला है, ताजिकिस्तान शायद चले गए हैं, तो अब उनको फेस सेविंग चाहिए, किसी के ऊपर नाम डालना है तो वो पाकिस्तान एक कन्वीनियंट नाम बनाकर डाल रहे हैं, क्योंकि DGISI अब से कुछ रोज पहले तक वहीं थे, तो उनको एक बड़ा आसान चीफ क्या करने गए वाला फॉर्मूला लग रहा है। लड़ने तो नहीं गए हैं वहां पर, जाहिर है वहां पर लड़ाई करने उनको तालिबान ने बुलाया था, लड़वाते हैं ना, नहीं हम ऐसी कौन सी सुपर पावर है, हम कौन सा मतलब नेटो फोर्सेस के हम सरबरा है कि हमारे इशारे पे लड़ने लग जाएंगे लोग। नाटो फोर्स वो खुद लड़ रहे हैं, अगर कहते हैं हाफिज सईद फोर्स, नाटो फोर्स थोड़ी, हाफिज सईद फोर्स। आपने जितना एग्जैजरेट किया हुआ है ना हाफिज सईद को, ऑनेस्टली अगर शायद इंडियन मीडिया ना होता ना, तो हाफिज सईद
का नाम भी शायद हमें यहाँ पाकिस्तान में याद ना होता। मतलब आपने उनको हर मामले में, आपका बस चले तो आप तो बोलेंगे कि वो एक दिन फेलिस्तीन को भी आजाद करवा देंगे इसराइल से। आपने हाफिज सईद को इतना ओवर एस्टिमेट किया, आई एम श्योर हाफिज सईद बड़े खुश होंगे ये बातें सुन के। आप नहीं, हम खुश होने देंगे नहीं, आप फिक्र ना कीजिए। आप जितना उनको घर जमाई की तरह पाल पोस लीजिए, आना उनको यही है, इसी जमीन पर है और अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ। जनरल सेना आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और आप यकीन मानिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप आतंकवादियों की पैरोकारी करने वाली महिलाओं में से नहीं है, तो वो जितने भी आतंकवादी हैं आप हमें सौंपेंगी। इंस्टेड ऑफ उन तमाम आतंकवादियों को वहां पंजशीर में हराने के लिए पहुंचाने के आप यहां भेजिए, उनका काम तमाम हम करेंगे। जनरल सिन्हा, मतलब पाकिस्तान अभी भी, मोना आलम ये कह रही हैं कि ये क्या बात हुई, वो लोग हार गए हैं और उसका ठीकरा जो है पाकिस्तानी आर्मी पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, जनरल मुशर्रफ ने खुद कहा है कि तालिबान को पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन किया है, ये जनरल मुशर्रफ कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, पहली बात। दूसरी बात है कि पंजशीर एक कवच है, एक इम्प्रेगनेबल है, भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको कैप्चर करना आसान नहीं है। ब्रिटिश ने कोशिश किया, असफल हुए, सोवियत रशिया ने कोशिश किया, असफल हुए, तालिबान ने कोशिश किया, असफल हुए। तो तालिबान ने सोचा, पाकिस्तान को एक झुंझुना दिखाया कि यदि आप हमको पंजशीर कब्जा करके देते हैं तो कश्मीर में हम आपको मदद करेंगे। तो ये जो रेसिप्रोकल लेन देन का जो रिश्ता है, ये दोनों की यही सोच है। मुझे तो लगता है एक फेलियर स्टूडेंट दूसरे फेलियर को स्टूडेंट को बोलता है कि हम तुमको पास करवा देंगे, और दोनों फेलियर स्टूडेंट हैं, तालिबान भी और पाकिस्तान आदमी को तो हम जानते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पंजशीर, जैसे मैंने कहा कि अटैकर के लिए ग्रेवयार्ड है और डिफेंडर के लिए स्वर्ग है, क्योंकि आप पंजशीर में तीन रास्ते से नहीं घुस सकते, तीन दिशाओं से, एक ही दिशा से घुस सकते हैं, वो पंजशीर नदी, जो एक नैरो पैसेज देता है। और यदि नैरो पैसेज से, देखिए हम लोग को सिखाया जाता है आर्मी में कि सरप्राइज बैटल विनिंग फैक्टर है, तो इसमें सरप्राइज तो है ही नहीं, क्योंकि NRF जानता है कि वो एक ही रास्ते से आएंगे। तो जब वो फायर एंड ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट करेंगे उस अप्रोच को, तो पंजशीर के ये तालिबान के जो जिहादी कहाँ जाएंगे, ये पाकिस्तान आर्मी कहाँ जाएगी, वो अंदर घुस नहीं सकती है। मुझे लगता है ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, और जो मसूद ने ट्वीट किया है वो सही ट्वीट किया है, ये टैक्टिकल विड्रॉल है रिग्रुपिंग के लिए, रिग्रुप करके फिर इनको तबाह करेंगे, फिर इनको बर्बाद करेंगे। सवाल ये है कि यदि सचमुच में पंजशीर गिर गया है, पूरी तरह से इनके कब्जे में आ गया है, तो सरकार बनाओ। एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान डिलायड मोड में था कि हमको अफगानिस्तान में हमारा कोई रोल नहीं है, अब तो ये ओपनली खुल्लम खुल्ला एडमिट कर रहे हैं। जब ISI चीफ दोहा में मिलता है, ISI चीफ जनरल फयाज यहाँ आता है मिलने, किस लिए आता है, गिव एंड टेक, कि हमने तुमको सत्ता में लाया, अब पे बैक टाइम है, रिटर्न गिफ्ट टाइम है, तो हमको कश्मीर में मदद करो। अब इसका एक बिंदु, इसका बिंदु एक और ये है कि मुझे तो ताज्जुब लगता है कि यूनाइटेड नेशंस धृतराष्ट्र क्यों बना हुआ है, विश्व के देश चुपचाप क्यों हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि अफगानिस्तान के ज़मीन पर क्या नर्क फैलाया जा रहा है, किस तरह से माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बात करता है, बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स कहाँ गया, सिंध में कहाँ गया, अभी काबुल में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तालिबान के द्वारा। तो चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है हिंदुस्तान को बहुत ही कूटनीति का बहुत ही चतुरता के साथ इस्तेमाल करके अपने कार्ड्स खेलने पड़ेंगे, लेकिन मैं भविष्य में रुबीला में एक चीज कहना चाहता हूँ, ये इतना आसान नहीं है कि पाकिस्तान जो अभी बहुत ही छलांग मार रहा है, खुश हो रहा है, क्या तालिबान, अफगानी तालिबान TTP को डिसोन करेगा, जब पाकिस्तान ने कहा तालिबान को, अफगानी तालिबान को कि पाकिस्तान अगर आईबी मांग लीजिए, तो फिर बात ही अलग होती ना सर। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आरजू भी हमारे साथ बनी हुई है। आरजू, आप एक अरसे से ये बात कह रही हैं कि तालिबान वो सांप है जो पाकिस्तान पाल रहा है और बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान को क्यों समझ में नहीं आ रही है?
ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये इस पूरे खित्ते के लिए खतरनाक जहरीला सांप है। जी बिल्कुल, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान शुरू से तालिबान को सपोर्ट करता आया है और ये बात मेरी कही भी नहीं, अब तो शेख रशीद साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि जी तालिबान की फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, बहुत से लीडर यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। और जैसे सिन्हा साहब ने बताया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि हम ही ने बनाया तालिबान को और हमने ही जिहादी तैयार किए, तो अब इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं अफगानिस्तान में। पहले 20 साल पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, इतना ज़्यादा मीडिया एक्टिव नहीं था, ये बात छुप गई थी, लेकिन अब ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे कहा कि जी उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो अभी यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, जो तालिबान को सपोर्ट किया जा रहा है, उनकी वाहवाह हो रही है, ये कोई शॉर्ट टाइम हनीमून साबित होगा और पाकिस्तान को ही इसका ज़्यादा नुकसान होगा, ना अफगानिस्तान को ना ही किसी और देश को, क्योंकि ये आके जाके अगर इनका कोई क्लैश हो जाता है तालिबान के साथ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का या हमारी फ़ौज का, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। और पहले भी हम भुगत चुके हैं, 100 से ज़्यादा ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में, बहुत लोगों की जानें गई हैं, और वॉर ऑफ टेरर के नाम पे हमने बड़े लंबे अरसे तक एक लड़ाई भी लड़ी है और बहुत सी जानें भी गई हैं। तो वो सारी चीज़ें इनको सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को बहुत संभल के आगे जाना होगा। और जिस तरह से ये खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए था, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आगे जाकर सिर्फ हमें नुकसान करेगी, फ़ायदा कोई नहीं करने वाली। मोना आलम, हिंदुस्तानी बहन की नहीं सुनती हैं, कोई बात नहीं, पाकिस्तानी बहन की सुन लो। देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि यहाँ पर हर किसी के सोचने पे कोई आज़ादी, कोई पाबंदी नहीं है। आई मीन, आपके तरफ भी बहुत सारे तालिबान के सिंपथाइजर्स होंगे, लेकिन आप कभी भी उनको यहाँ आई मीन, अपने टॉक शो में या आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कभी नजर नहीं आएंगे। तो इस तरह की ओपिनियंस मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, पाकिस्तान सबको बुलाते हैं यहाँ पर, नहीं, आप किसी दिन मेरे साथ बुलाएं, मैंने तो आपके यहाँ एक भी डाइवर्स ओपिनियन नहीं सुना है। अब मैं यहाँ पर सुन रही हूँ, मैं आपको ये बात कह, क्योंकि हमें पता है ना तालिबान है क्या, हमारे यहाँ हर तरह के ओपिनियन है। मोना आलम, हम समझदार है ना, उस पर दो ओपिनियन हो ही नहीं सकता है, वो आपके यही हो सकता है, गुड तालिबान बैड तालिबान। हमें पता है तालिबान के आगे सिर्फ बैड है, और ज्यादा लग सकता है तो वर्स, और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज गुड नाइस अबाउट तालिबान। मैं शायद ये जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो प्रॉबेबली ये बात जानते होंगे, आई एम श्योर के गुड तालिबान बैड तालिबान की बाइफरकेशन हमारे यहाँ भी नहीं है। तो गुड तालिबान है ना मोना आलम, बल्कि जो हमारा बैड है कहाँ, बल्कि इसीलिए तो आपको आप थाली में बंदूकें सजाकर, थाली में एयर स्ट्राइक के लिए वो सारे विमान सजाकर ले जा रहे हैं, बोल रहे भाई साहब लो पंजशीर को अटैक करो और उसे अपने कब्जे में ले लो, आपके लिए तो गुड है ना तालिबान। ये आपने कहाँ देखा, ये आपने कहाँ देखा भी? मैं तो अहमद मसूद पर मैं अहमद मसूद पर विश्वास करूंगी, इमरान खान पर नहीं करूंगी। नहीं, अगर मुझे चुनना होगा ना, अपनी हार छुपाने मोना आलम, मुझे चुनना होगा ना कि किस पे विश्वास करूं, तो मैं अफगानिस्तान के बाशिंदे पर विश्वास करूंगी, इमरान खान पर विश्वास नहीं करूंगी। अफगानिस्तान के बाशिंदे तो तालिबान भी है, अफगानिस्तान के बाशिंदे जितने अहमद मसूद है उतने तालिबान भी है, अशरफ गनी भी है जो कि भाग, तो आप यही सोचिए कि अफगान, इसीलिए तो आपके साथ प्रॉब्लम है ना कि आप अभी तक डिस्टिंक्शन वाला इस्तेमाल कर ही नहीं पाई हैं। मैं रहूंगी जो अच्छा है उसके लिए सिलेक्टिव रहूंगी भाई, जजमेंट नहीं कर सकते, करूंगी जो आतंकवादी है उनके लिए मैं हमेशा इसी तरीके से बुलंद आवाज में बात रखती रहूंगी। ये थोड़ी है कि चूंकि अफगानिस्तान में पैदा हुआ है तालिबान तो उसके आगे नतमस्तक हो जाए आदमी। जनरल सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, अच्छा दो आज जनरल सिन्हा है, मैं के सिन्हा साहब आपके पास आऊंगी। नहीं, देयर इज नथिंग गुड अबाउट तालिबान। मोना आलम, आप तो हमेशा इस बात को कहती रही हैं। रूपिका, आपका क्लू नहीं है, मैं आपको यही कह रही हूँ, हमारे पास भी गुड तालिबान बैड तालिबान की कोई चीज नहीं है, आप क्यों सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर क्यों मदद कर रहा है पाकिस्तान तालिबानियों को? मेरी बात, आप एक एक सेंटेंस पे मुझे जब काटते हो तो इस तरह से बात नहीं बनेगी। आपके जो मर्जी की बात करें वो बोला चला जाए, आप बीच में नहीं बोलते, जो आपको लगे कि आप इसको टोक के अपनी बात
यू कैन स्पीड वर्ड्स इन माय माउथ बात तो सुनिए मोना आलम मैं आपको नहीं रोकूंगी मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी लेकिन अगर आप तालिबान में ये जो गुड वाला फैक्टर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं कैसे सुनती रहूंगी यही तो मैं कह रही हूँ कि गुड तालिबान बैड तालिबान का फैक्टर नहीं है पाकिस्तान के स्टेट नैरेटिव में नहीं है हमारा नेशनल एक्शन प्लान तालिबान के खिलाफ है कोई गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं है ये एक डिबेट हुआ था हमारे यहाँ पर कि क्या गुड और बैड तालिबान हो उस वक्त तालिबान ये इमरान खान कहते थे कि तालिबान में गुड और बैड है लेकिन फिर हमने ये डिबेट खत्म करके तालिबान के खिलाफ अनइक्विवोकली एक्शन लिया था अंडर द नेशनल एक्शन प्लान यही तो मैं आपको बता रही हूँ इतनी देर पे नहीं तो आप मुझे ये बताइए ना कि ये हामिद साहब वहां पर क्या करने के लिए गए व्हाट इज जनरल हामिद डूइंग देयर अफगान जलेबी खाने गए व्हाट नहीं मेरी बात सुने रूबिका आपके दोहा में जो डिप्लोमेट हैं वो भी तो तालिबान से बातें कर रहे हैं ना आपके अपने प्रोग्राम पे मुझे याद पड़ता है एक दफा आपने वो न्यूज ब्रेक की और आपके सारे तालिबान की बुराइयां कर रहे थे क्या बात वो सारे बगले बजाने लगे इस बात हमारा आईएसआई बहुत आईएसआई चीफ जो है वो नहीं बात करने गया है आपका आईएसआई चीफ जो है वो वहां बात करने के लिए पहुंच गया है जिसको हमने बुलाया एक सेकंड सरकार बनने से जस्ट पहले आईएसआई चीफ अगर एमआई चीफ सीआईए चीफ कर सकते हैं डिप्लोमेसी तो आईएसआई चीफ को अगर बुलाया गया है अगर रॉ के चीफ को बुलाया जाता नहीं जाते वो ये सरासर झूठ होगा आप मुझे बोले कि नहीं अच्छा तो आप ये कह रहे हैं न्योता दिया गया और वो भागे चले गए है ना मेजर जनरल के सिन्हा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान अगर बातचीत कर रहा है मोना आलम बस मैं बहुत क्लियरली आपको बता देना चाहती हूँ हिंदुस्तान ने बातचीत तब की जब उनको इस बात का एहसास था कि उनके नागरिक अभी भी वहां अफगानिस्तान में है वो सिखों को लेकर परेशान थे वहां की माइनॉरिटीज को लेकर हिंदुस्तान जो है वो पैनी नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए बातचीत करना बहुत जरूरी था हम तो डे वन से कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को इंगेज नहीं किया गया एक तो होता है इंगेज करना दूसरा होता है आप सामने वाले को की खुशामद कर रहे हो कि वाह वाह आपने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है आप खुशामद कर रहे हैं आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो बुला रहे हैं आपको ऑफ कोर्स एंगेजमेंट है मेजर जनरल सिन्हा के सिन्हा मेजर जनरल के सिन्हा हो गया सुन लिया हमने आपकी पूरी तकरीर सुन ली देखिए रूबिका इनके इंटीरियर मिनिस्टर ये कहते हैं कि तालिबान जो आते हैं उनके पूरे के पूरे जितने उनके मर के आते हैं उन शहीदों को उनके जो वुंडेड आते हैं इनके हॉस्पिटल में ये मोना आलम तो नहीं बोलेंगी वहां होता है उसकी प्रूफ है आज 3000 सोल्जर स्पेशल फोर्सेस के पंजशीर के अंदर में है F-16 एयरक्राफ्ट है इनका CH-4 है और इनका कोबरा यू नो अटैक हैप्टर्स जो पंजशीर के ऊपर में चल रहा है ये आज के दिन में जिसके सिग्नेचर्स हैं देखिए मोना आलम आप सर हिलाएं देखिए आपके ही अंदर में आरजू है जो कि सेंसिबल डिबेट करती मैं आपको ये बताता हूं और मुझे समझ के सिलिएगा देखिए 16 दिन हुए हैं और आज भी तालिबान के साथ आप जो लगे हैं शासन नहीं आई मुल्ला ब्रदर भी उंडेड हैं और आपके कंट्री में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है शायद आप लोग जिस हक्कानी नेटवर्क को आगरा कर लाना चाहते हैं जिसके अंदर में अनास हक्कानी खलील हक्कानी सिराज उद्दीन हक्कानी इनके ठीक है इसके नैरेटिव्स बड़े अच्छे होंगे ईरान के जिसके ऊपर आप बोल रहे थे ना सिया सुन्नी के हम अलायंस कर रहे हैं ईरान ने चेतावनी देती है वो तो कहता है पर ये क्या हुआ ये पंजशीर का देन है वो कहता है कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक आप वहां इलेक्शन करके वहां पर आ जाएं पूरा विश्व यही कहता है भारत यही कहता है भारत को भी अपने स्टैंड तो क्लियर करने पड़ेंगे देखिए बातचीत अलग है बातचीत करना तो हम दुश्मन से भी बातचीत करते हैं मगर आज के दिन में हमारी स्टैंड क्लियर है क्लियरिटी ताजिकिस्तान का है धीरे धीरे आपकी क्लियरिटी पूरे विश्व में आएगा आज अमेरिकन रूबिका आपको जानकर हैरानी होगी 6 एयरक्राफ्ट मजार शरीफ में खड़े अमेरिकन को लेकर के 6 दिनों से इन्होंने उनको हॉस्टेज बनाया हुआ है और वहां आईएसआई के गुर्गे खड़े हैं वो कहते हैं नहीं जा सकते इसलिए पूरा विश्व यूएन भी लगा हुआ है कि इनको नहीं कर रहा है इनको आज के दिन में ये कितने दिन तक कर लेंगे ये लोग
आज पूरी विश्व इनके अगेंस्ट में आ रही है और मैं तो यह आपको कहता हूं कि भारत की धरती से आवाज उठके आनी चाहिए। इतना तो आपको समझ में, इतना तो आप भी समझ ही गए होंगे कि भाई इनके जब आका ने कह दिया कि हम तो मैत्रीपूर्ण रिश्ते रखने चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान क्या बला है, वो तो खुशी से नाचेगा ही। एक ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद अभिज्ञान आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू, एक छोटा सा ब्रेक लौटेगी जल्दी। अफगानिस्तान के अपने काबू और कब्जे में कर लिए हैं और इसके लिए वो तमाम लोग जो तालिबान के आगे झुकने को तैयार नहीं है वो ये बहुत जिसे कहते हैं कि ताल ठोक कर इस बात को कह रहे हैं कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। साले तो ये कह चुके हैं कि मैंने अपने कमांडर को कह दिया है कि अगर मुझे इस नौबत के सामने पेश होना पड़ जाए तो मेरे सर में गोली मार देना। ऐसे तमाम लड़ाकों की मदद करने के बजाय पाकिस्तान तालिबानियों को शह दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है और ये सब अब सामने आ गया है जब अहमद मसूद ये ट्वीट करते हैं कि तालिबान की का इतना मादा नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। ये आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी की शह पर हो रहा है कि पंजशीर पर वो कब्जा कर पा रहे हैं। अभिज्ञान प्रकाश, मैं इस पर आपका पहला रिमार्क चाहती हूं। अब दो बातें, डे वन से पहले दिन से जब अफगानिस्तान की ये हालात, ये तस्वीर बनी है, मैंने एक बात आप रिवाइंड करके सुनिएगा, बहुत साफ साफ कही कि जितना कॉशियस हमको यानी कि हम अपने पर्सपेक्टिव, भारत के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके तरफ देखकर कॉशियस रहने की जरूरत है, उतना ही कॉशियस हमको पाकिस्तान के तरफ देखकर रहने की जरूरत है। और वो बात 100% सही साबित हो रही है यहां पर अभी तक के डेवलपमेंट्स को लेकर। दूसरा एक कमेंट पाकिस्तान की जर्नलिस्ट की तरफ से आया था हाफिज सईद को लेकर, उस पर मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन रेज करूंगा। उन्होंने कहा कि मियां तो इंडिया का मीडिया ऐसा बना के रखा है हाफिज सईद को, वो परपेट्रेटर है उन अपराधों के जिन्होंने हमें हर्ट किया है, जिन्होंने, वो मास्टरमाइंड है। तो इंडियन मीडिया का हक है, अधिकार है और सही है कि वो हाफिज सईद को हमेशा या उस तरह के किरदारों को, कैरेक्टर्स को हमेशा अलाइव रखे। तीसरा पॉइंट जो है रुबिका, जल्दी से कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साहब ने कहा इंटरनेशनल रिएक्शन के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो इनएक्टिव नजर आ रहा है क्योंकि वही अल्टीमेट प्रेशर है। मैं आरजू जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, वही अल्टीमेट प्रेशर है जो पाकिस्तान पर अप्लाई होगा अगर पाकिस्तान और ज्यादा अपनी साठ गांठ तालिबान के इस खेल में बढ़ाता जाएगा, बनाता जाएगा और दुनिया को दिखाता जाएगा। तो इंटरनेशनल रिएक्शन जो है वो शांत है, ये डिस्टर्बिंग है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जनरल सेना वो हाथ उठाकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब आपके पास भी आऊंगा। हाँ, जनरल सिन्हा। हाँ रुबिका, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से पाकिस्तान इन्वॉल्व हो रहा है गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे, जिस तरह से वो अपने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को भेजा है पंजशीर में लड़ने के लिए, मेजर जनरल आदिल रहमानी वहाँ इन्वॉल्व हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल उमैद जो है वो SSG बटालियन को लीड कर रहा है, तो ये तो अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक फॉरेन पॉलिसी के रूप में उसको एक्सेप्ट करता है। FATF को वॉच करने की ज़रूरत है कि जो तालिबान को यूनाइटेड नेशंस ने 1267 रेजोल्यूशन के तहत टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया उसको यदि पाकिस्तान मदद कर रहा है तो FATF को क्या करना चाहिए, ब्लैकलिस्ट में नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने एक ऐसे हुकूमत को, तालिबान को मदद कर रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ द डे नहीं है अफगानिस्तान में, तो एक देश दूसरे देश के भौगोलिक क्षेत्र में घुस के यदि अटैक कर रहा है तो क्या ही, इसका क्या इंटरप्रिटेशन किया जाए? ये वॉर नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट का उल्लंघन नहीं है। इस बिंदु से यूनाइटेड नेशंस नहीं देखना चाहिए यूनाइटेड। तो ये देखने की जरूरत है। और अभी तो सरकार भी नहीं बनाई है, मैं उतावलापन जानना चाह रही हूँ ना, ये उतावलापन किस बात का है?
देखिए मैं बहुत सारी बातें हैं जो रिप्लाई करने वाली हैं। अभी हाफिज सईद के बारे में सर ने कहा, हाफिज सईद की जहाँ तक बात है 26/11 बड़ा दर्दनाक एक इंसिडेंट था, इनोसेंट सिविलियंस उसमें मारे गए थे, वो सारी बात अपनी जगह। मैं सिर्फ इस बात पे ऑब्जेक्ट कर रही थी कि आप उनको कंस्पिरेसी थ्योरीज के तहत हाफिज सईद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल आप उनको अफगानिस्तान में भी घुसा देते हैं, आप कहते हैं दुनिया में जो चीज जहां हो रही है वो हाफिज सईद करवा रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से आप बात करते ही करते हैं वहां दूसरी जगहों पे दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है वो भी पाकिस्तान पे उसका मलबा। आई मीन मोहम्मद जुबैर एक आपके अपने जर्नलिस्ट हैं, ऑल्टरनेटिव न्यूज के फाउंडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, आपका ही एक इंडियन चैनल है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट ऑन योर चैनल, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक जो एक्सक्लूसिव वीडियो जो बहुत तहलका मचा के आपने कहा है कि आपने हासिल की है कि पंजशीर में पाकिस्तानी लड़ाका तैयार है जंग लड़ रहे, वो एक्चुअली एक वीडियो गेम की है, इट्स कॉल्ड आर्मा 3, और ये उन्होंने ट्वीट किया है, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ रीट्वीट्स एंड लाइक्स, दूसरे आप उसको जरा देखें, तो ये तो आपकी वैलिडिटी है। की तस्वीर भी वीडियो गेम से निकली है क्या, क्या कर रहा है ISI चीफ वहां पर, ये बताइए ना मुझे मोना आलम। मैं यही तो आपको कह रही हूँ, एक मैं रूपिका यू हैव अ जेन्युइन सवाल, और पाकिस्तानी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है पंजशीर में, तालिबान के अटैकर्स ने इन आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया, ये झूठ है क्या, ये बताइए मुझे। एक्सेप्ट फॉर दिस आर्मा 3 गेम, एक्सेप्ट फॉर दिस आर्मा 3 ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान की भूमिका की जांच होगी, पंजशीर में तालिबान को मदद करने के लिए ईरान झूठ बोल रहा है, बताइए मुझे। जांच होना, जांच वीडियो गेम का हिस्सा है, जांच पूरी दुनिया करे, नहीं एक सेकंड ना, जांच पूरी दुनिया करे, जांच तो अभी ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आके गए हैं पाकिस्तान, हॉलैंड की प्राइम मिनिस्टर आके गई हैं, उन्होंने जांच नहीं की, ऐसे ही आ गए पाकिस्तान। आप मुझे बताएं, हम इतना वहां पर टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लीडर्स हमारे पास आ रहे हैं, आपके पास कौन आया, तो दिस इज वे बोगस। आप मेरी बात सुने, एक बात बड़ी क्लियर है, आप कह रहे हैं आपको वहां पे माइनॉरिटी की फिक्र है, तो हमें फिक्र नहीं है, हमारे यहाँ टीटीपी आए दिन आपने बहुत छुपा छुपा कर रखा था, याद है ना आपको, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एबटाबाद में कौन था बहुत बड़ा, उनके आगे तो आप लोग बड़ा घुटनों के बल जो हैं बैठकर इंतजार करते थे कि उनको कभी कोई दिक्कत ना होने पाए, बहुत बड़े बड़े लोग आए। अभी आप उस बात से हटके आप उसामा बिन लादेन पे आ गए, आपके पास भी बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, आपने खैर थे, आपने तो जन्म दिया है बहुत बड़े बड़े लोगों को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बताइए नाम, अलग बात हो जाएगी, तो नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप डिविएट करें डिबेट को, आप डिविएट करें, नाम बताइए ना, करें डिबेट को, मैं क्या नाम बताऊं, सील कमांडोस कहां आए थे हिंदुस्तान में, किसे मारने आए बताओ ना, तो दिस इज नॉट नाइस, आप आपकी पूरी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत आपकी पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हंगामा मचाए हुए हैं पूरे पूरे आपके भारत में, आप मुझे बताइए ना कौन बड़ा आदमी यहां पर है, आप क्या बात कर रहे हो, कौन सी इंसर्जेंसी कहां लगी हुई है, बहुत 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 सारे बड़े बड़े आदमी है, बहुत सारे आपके तो गोट से बड़े आदमी थे जिन्होंने आपके महात्मा गांधी का कत्ल किया RSS के, आज वही RSS आपकी गवर्नमेंट में शराकत दार है, बस यहीं पे, यहीं तक, आई मीन आप बस यहीं तक, इसलिए आप उसके बाद बताइए ना मुझे, कोई चीज गोट से मुर्दाबाद के बहुत सारे नारों का टेप मैं जो है आप तक पहुंचा दूंगी, डोंट वरी, यहाँ पर कोई गोट से को वर्शिप करने नहीं बैठा है, किसने मारा गवर्नमेंट पे लाए हुए हैं, भुट्टो को किसने मारा, बेनाजीर को किसने मारा, बेनाजीर को किसने मारा, भुट्टो को किसने मारा, लियाकत अली को किसने मारा, जिन्ना को किसने मारा, जिन्ना के खानदान को किसने मारा, जवाब दो मोना जी, जवाब दीजिए, आप क्या बात करती हैं, बताएं ना, आप बताएं, आपके सारे लोगों को अलग अलग लोगों ने मारा है, पाकिस्तान आर्मी ने, बेनज़ीर की जहां तक बात है, बेनज़ीर पाकिस्तान आर्मी ने मारा इन लोगों को, मुकदमा पाकिस्तान पाकिस्तान की आर्मी ने मारा इन लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी ने मारा इन लोगों को, आप पाकिस्तान आर्मी ने मारा इसको, बोले आपने पाकिस्तान आर्मी ने, आपका कैद आजम बोलती है, जिन्ना को पाकिस्तान आर्मी ने मारा, आगे से लियाकत अली को मारा, पाकिस्तान की आर्मी जनरल साहब उसका हाथ खून से भरा है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको खून से लिपटा पड़ा है, पाकिस्तान पाकिस्तान की आर्मी का हाथ खून से भरा हुआ है, आप आईना देखिए, टीवी आर्मी ने कराया, एकदम माय गॉड, एकदम क्या बात है, साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि पाकिस्तान आर्मी ने मारा है, टीबी को मारा, भुट्टो को मारा, आप क्या बातें कर रहे हैं, भुट्टो का मुकदमा आज तक चल रहा है, आगे बताएं, अच्छा वाह,
अच्छा तो फिर इस बार नहीं तो फिर तो गोडसे को फांसी पर चढ़ा दिया यार, किसने चढ़ाया? अरे जिस गोडसे को बड़ा आदमी आप कह रहे हैं उनके लिए मकान बनाकर नहीं रखा था, उनको फांसी सुनिए गोडसे को फांसी पर चढ़ा दिया और वही हिंदुस्तान में फांसी चढ़ा है वो, जहाँ गड़बड़ी हुई वो उसको हाफिज सईद की तरह जो है यहाँ पर पाल पोस के बड़ा नहीं किया जा रहा है, उसने गलत काम किया उसको सजा हुई फांसी पर चढ़ा गोडसे, बात खत्म। आपकी तरह वहां छुपा छुपा कर नहीं रख रहे हैं। एक बार फिर बेबाकी से आप, अब आपको क्या लगता है व्हाट लाइज अहेड इन द फ्यूचर, आगे क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको अफगानिस्तान का? देखिए अफगानिस्तान में तो तालिबान ही आते हुए नजर आ रहे हैं, वही गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि आईएसआई के चीफ वहां क्या करने गए, तो जब पाकिस्तान में सपोर्ट किया जा रहा है हर लेवल पे, मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तालिबान, तो यहाँ से लोग जाएंगे और मुबारकबाद भी देंगे और कोई ना कोई आइडियाज़ भी देंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट चलानी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इसलिए इसमें कम अज़ कम मुझे तो कोई हैरत नहीं है उनके अफगानिस्तान जाने पर, और आगे फ्यूचर तो यही लग रहा है कि फिलहाल तो तालिबान की गवर्नमेंट ही बनेगी और एक एक करके जो एम्बेसीज वहाँ से हटी हैं वो वापस आएंगी, लेकिन तालिबान वही हैं जो पहले थे, हम दोबारा उसी तरह का रवैया वही माइंडसेट देखने जा रहे हैं, और वही जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, और लेकिन अब हम इस वक्त हम कुछ समझने को तैयार नहीं हैं, हम कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर कोई बात करता है तो हम जाहिर है यही कहते हैं कि गलत कह रहा है, लेकिन फिर भी हमें इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि बैलेंस होके चलें, इसलिए कि ना तो अमेरिका को नाराज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग फंड्स लेते हैं लोन लेते हैं, और ना ही तालिबान को नाराज़ किया जा सकता है, वरना उसका रिएक्शन भी पाकिस्तान में ही नज़र आएगा। ओके मोनालम, ये जो आखिरी वाली क्लिप है मैं आरजू काजमी की आपको रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी दोबारा, ताकि आप इसे बार बार सुनें और इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, कि तालिबान पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। चीन में तैनात जर्मनी के राजदूत हैं जेन हैकर, उनकी रहस्यमय हालत में मौत हो गई है। 54 साल के जेन जो हैं वो जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल के सलाहकार भी रह चुके थे, 1 महीने पहले ही हैकर को चीन में जर्मनी का राजदूत बनाया गया था। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत की मौत की वजह के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है, ये भी नहीं बताया है कि कब और कहां हैकर की मौत हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।